जयपुर नगर निगम ग्रेटर के निलंबित महापौर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर पर एसीबी का शिकंजा कस गया है। एसीबी ने मामले में पूछताछ के बाद राजाराम गुर्जर के साथ ही बीबीजी कंपनी के ओमकार सप्रे को गिरफ्तार किया। डीजी एसीबी बीएल सोनी ने बताया कि 10 जून को एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो की जांच 2 एफसेल लैब से कराई गई। तमाम तथ्यों के आधार पर राजाराम गुर्जर और बीबीजी कंपनी के ओमकार सप्रे को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वीडियो में कंपनी के भुगतान के बदले रिश्वत के लेन देन की चर्चा की जा रही थी, जिसके बाद एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ की। इस मामले में राजाराम गुर्जर, ओमकार सप्रे तथा संदीप चौधरी के अलावा निम्बाराम सहित अन्य को नामजद किया गया है। तो वहीं एसीबी के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि इस वीडियो के आधार पर एसीबी अभी सर्च कर रही है। एसीबी बीबीजी कंपनी से जुड़े तमाम दस्तावेज जुटाकर मामले की जांच करेगी। ये भी पता लगाया जाएगा कि बीबीजी ने अब तक निगम में कितनी बार बिल पेश किया। वहीं ये भी जांच की जाएगी कि कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ राजाराम गुर्जर के बीच कोई लेन देन हुआ है या नहीं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। वायरल हुआ था, जिसके अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम में तत्कालीन मेयर के पति के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के बीच में भारी रिश्वत के ऑफर होने और मांगने और उस पर ऑफर को स्वीकार करने की बातें दिखाई गई थी। उस पर राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक प्राथमिक जांच दर्ज करके और उस ऑडियो वीडियो क्लिप को फोरेंसिक्स लेबोरेटरी में भेजा गया था। हमने 2 फोरेंसिक लेबोरेटरीज की हेल्प ली है, राजस्थान फोरेंसिक लेबोरेटरी की और एक अन्य राज्य की प्रतिष्ठित एफएसएल की हमने हेल्प ली है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद और सारे जो तथ्य हैं उनका विश्लेषण करने के बाद प्राइम एफएसआई ये रिवील होता है कि एक पब्लिक सर्विस के लिए, लोक सेवा के लिए, लोक सेवक से जुड़े हुए घनिष्ठ रिश्तेदार द्वारा रिश्वत मांगी गई है। प्रकरण में जो मुख्यतः जो ऑडियो वीडियो कहाँ बनी थी और उसका जो मूल स्रोत क्या है, उसके बारे में हम पूरा जांच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी के जो पेंडिंग बिल्स थे, किस कारण से बिल्स क्लियर नहीं हुए थे, कितने पेंडिंग थे और उसमें एक जो प्राइवेट आदमी है राजाराम, उनका क्या रोल है, वो क्यों इनके साथ बातचीत कर रहे थे, इसके बारे में हम जाँच करेंगे। इसके अलावा इस कंपनी के जो सारे कागजात है और इन्होंने कितने बार उन्होंने बिल पेश किया है और इन सब के बारे में जांच होगी। और कुछ जगह सर्चेस चल रही है और बीबीजी कंपनी और राजाराम के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो या और कोई अगर एविडेंस कागजात वगैरह मिले, उसको भी हम जब्त करके अनुसंधान में उनको यूज कर। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी यादवेंद्र शर्मा वक्त वक्त मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, एक बड़ा फैसला और एक बड़ा जो वीडियो वायरल हुआ था उस समय में जब महापौर सौम्या गुर्जर से जुड़ा मसला सामने आया था, लेकिन अब एक बड़ा एक्शन एसीबी ने लिया है, उनके पति राजाराम को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे प्रकरण में। यादवेंद्र, क्या अपडेट? देखिए, जैसी राजाराम के साथ में जो बीबीजी जो कंपनी सेवा प्रदाता जो कंपनी बीबीजी उसके जो प्रतिनिधि है ओम प्रकाश सप्रे जी, उसको भी यहाँ पर एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। दोनों को पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया था और दोनों को क्रॉस चेक करवाया था। पूछताछ के बाद में एसीबी टीम ने आज दोनों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार निवारण जो संशोधित अधिनियम है 2018 और साथ में आईपीसी की धारा 130 बी के तहत यहाँ पर दोनों की यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है। साथ में इस पूरे प्रकरण में जो संदीप चौधरी और साथ में जो निम्बाराम जैसे कई अन्य लोगों के खिलाफ भी यहाँ पर जो नामजद जो मुकदमा है वो एसीबी की टीम ने यहाँ पर दर्ज किया है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ था, इस वीडियो वायरल में आरएसएस के एक बड़े सदस्य जो निम्बाराम समेत जो राजाराम गुर्जर है और साथ में कंपनी के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर डील कर रहे थे जी। 276 करोड़ का नगर निगम का बीबीजी कंपनी का ये पूरा पेमेंट था, जो यहाँ पर पेमेंट इसका भुगतान किया जाना था, लेकिन इस 276 करोड़ का जो पेमेंट था, इस पेमेंट को करने की 10% जो कमीशन था वो यहाँ पर राजाराम की ओर से मांगा जा रहा था। बीबीजी कंपनी की ओर से यहाँ पर रिश्वत की जो पेशकश थी वो यहाँ पर राजाराम जो निलंबित मेयर है सौम्या गुर्जर उनके जो पति है उनको यहाँ पर की गई थी कि 10% का जो कमीशन है वो दिया जाएगा अगर 6 महीने के भीतर जो 276 करोड़ का जो पेमेंट है अगर आधा पेमेंट भी होता है तो ये जो घूस की जो राशि है वो उनको दी जाएगी। डीलिंग को लेकर के जब ये जो वीडियो था जो बाहर आया और
पिटारे में से निकल करके सोशल मीडिया पर इस कदर ये वायरल हुआ कि एसीबी तक पहुंचा, और उसके बाद एसीबी तक जैसे ही ये वीडियो गया उसके बाद एसीबी की टीम ने सबसे पहले इसमें प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद फिर एसीबी टीम ने इस पूरे वीडियो को लैब के अंदर टेस्ट करवाया, दो बार लैब में टेस्ट करवाया गया, जिसमें जो इसमें जो लोग हैं जो इसमें बातचीत कर रहे हैं, जो डीलिंग कर रहे हैं, उनकी उनका यहाँ पर सत्यापन कराया गया, उनकी यहाँ पर जांच पड़ताल गई, उनके वॉइस का सैंपल लिया गया। इन सब क्या इस वीडियो के अंदर कांचा की जो एलिगेशन लग रहे थे, जो आरोप लग रहे थे कि ये सिर्फ राजनीतिक हथकंडों के चलते यहाँ पर साजिश के तहत ही इसमें कांटछांट की गई है और दूसरे मसले को लेकर के ये वीडियो वायरल किया गया है, तो ऐसे में इस वीडियो को लैब में टेस्ट कराया गया जो कि पूरी तरीके से सच पाया गया, उसमें सारे तथ्य थे जो बिल्कुल सही थे। उसके बाद वीडियो की रिपोर्ट जो एफएसएल की रिपोर्ट सामने आने के बाद आज एसीबी की टीम यहाँ पर पूछताछ के दौरान राजाराम गुर्जर को यहाँ पर दबोची है। देखा जाए तो खुद ला करके निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर को हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद जो अब जो मैं ये दूसरा झटका जो लगा है सौम्या गुर्जर को यही लगा है, इनके जो पति को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन पति को अरेस्ट होने के साथ अब जो जांच की जो तलवार है वो कहीं ना कहीं सौम्या गुर्जर पर भी यहाँ पर लटकेगी, क्योंकि क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी कि बीबीजी कंपनी का जो पेमेंट है जिसका भुगतान होना है उसमें क्या 18 करोड़ रुपए की जो रिश्वत की जो राशि है जो मांगी जा रही है, क्या उसकी जानकारी यहाँ पर सौम्या गुर्जर को भी थी? अगर सौम्या गुर्जर को इस बात की जानकारी थी और जो अन्य लोग जो है जिनका यहाँ पर नाम जो मुकदमे में जो नाम जोड़ा गया है उन सब लोगों से भी यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के बाद में माना जा रहा है कि जो लोग हैं जिनका नाम इसमें नाम दिया गया है उन सभी लोगों की यहाँ पर गिरफ्तारी होगी, यहाँ पर बिल्कुल निश्चित तौर पर ये मानिएगा। बिल्कुल जी यादवेंद्र, कल कोर्ट से बड़ा झटका लगा और आज उनके पति की गिरफ्तारी के बाद में अब अगर गिरफ्तारी की जो तलवार है सौम्या गुर्जर पर लटकती है, विकल्प के बारे में जानना चाहूंगी, विकल्प क्या रह जाएंगे उनके पास उसके बाद? देखिए विकल्प अभी सबसे पहले प्रारंभिक इंट्रोगेशन जो होनी है जैति वो यही है कि जो नामजद जो लोग हैं जिसमें लिंबारा संदीप चौधरी जैसे जो लोग हैं सबसे पहले एसीबी की टीम उनको अनुसंधान करेगी और अनुसंधान करने के बाद उनसे यहाँ पर पूछताछ करेगी। समन यहाँ पर नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस के लिए उनको बुलाया गया है। नोटिस के बाद में एसीबी की टीम जो सबसे बड़ा जो तथ्य है वो यही खंगालेगी कि राजाराम के जो पत्नी है जो सौम्या गुर्जर क्या उसको इस बात की पूरी जानकारी थी, अगर जानकारी थी तो उनकी सरपरस्ती के अंदर ये रिश्वत का जो खेल चल रहा था क्या उनकी जानकारी उन्हें अभी तक क्यों नहीं मिल पाई। दूसरी बात ये कि जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें कहीं ना कहीं सौम्या गुर्जर अपने बयान देती रही है और ये कहती रही है कि जो वीडियो है पूरा कांट जांच के बनाया गया, इसका कुछ मसले से जुड़ा हुआ मैटर नहीं है, सिर्फ सियासी हथकंडों के चलते उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो सियासी जो घटनाक्रम था जो बीबीजी कंपनी को लेकर उपजा हुआ था उसी के चलते यहाँ पर जो एलिगेशन भ्रष्टाचार के जो मेयर के ऊपर लग रहे थे वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं तो देखा जाए तो जब उनके पति जब इसमें अरेस्ट हुआ तो निश्चित तौर पर मानिएगा कि उसमें कहीं ना कहीं जो मिली भगत सौम्या गुर्जर की, क्योंकि बिना मेयर की रजामंदी के बिना सहपरस्ती के इतनी बड़ी डीलिंग होना असंभव है। तो ऐसे में मुकदमा हालांकि नामजद मुकदमा तो यहाँ पर सौम्या गुर्जर के खिलाफ नहीं किया गया है, लेकिन जब इस सारी तथ्यों की जांच होगी तो निश्चित तौर पर सौम्या गुर्जर को भी यहाँ पर नामजद किया जाएगा और उसके बाद अगर उसमें किसी प्रकार के तथ्य पाए जाते हैं जिसमें उनकी मिलीभगत होती है तो निश्चित तौर पर ये मानिएगा कि सौम्या गुर्जर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी, जो कि जांच पड़ताल के बाद सारी चीजें खुलेगी, उसके बाद सारी चीजें सामने आएगी। जी जी, चलिए यादवेंद्र बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।